तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कैसे लिनक्स में हम सीएलआई की मदद से किसी ऐसी फाइल को ओपन कर सकते हैं जिसको ओपन करने के लिए किसी ग्राफिकल एप्लीकेशन या टूल की जरूरत पड़ती हो। मेरे पास यहाँ रूट की होम डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स मौजूद हैं और इनमें एक फाइल है linux.png। अगर आप इस फाइल का टाइप पता करेंगे तो देखिए, यहाँ सिस्टम आपको शो करेगा कि ये जो फाइल है ये एक png इमेज डेटा फाइल है, यानी कि ये एक इमेज है। और अगर आप इस फाइल को ओपन करने के लिए कैट या किसी दूसरी कमांड का यूज़ करेंगे तो ये फाइल ओपन नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की फाइल को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ इस तरह की फाइल को ओपन करने के लिए लिखना होगा xdg-open और फाइल का नाम। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक सेपरेट विंडो में ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि इस फाइल को ओपन करने के लिए ग्राफिकल एप्लीकेशन की जरूरत होती है। वहीं आप चाहें तो इस कमांड का यूज़ करते हुए बाकी इमेज फाइल्स या वीडियो फाइल्स को भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह की और लिनक्स शॉर्ट्स के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।